मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। आप सब लोग नीचे जाइए। थैंक यू लक्ष्मी जी। आई एम सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब अपने आप को संभालिए। तो तुम दोनों सो रहे थे? हाँ साहब, सो रहे थे। ये तो इसने मुझे झिंझोड़ा तो मेरी नींद खुल गई। और मुझे जब गंगूबाई ने आवाज दी तो मैं जागा, तो मैंने इसे जगाया। अच्छा, शायद मैं अपना सिगरेट का पैकेट घर बुलाया। क्या आप मुझे सिगरेट पिला सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं, लीजिए। सॉरी, थैंक यू। टोनी, इस केस में कोई दम नहीं है। ये सीधा साधा सुसाइड का मामला है। लगता है मिस्टर नाथ ने अपने बदनामी से घबरा कर अपने आप पे गोली चला ली है। यार छोड़ दो, तुम बाकी की सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। बाय।
सिप करो। थैंक यू। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग निकलने का कोई इंतजाम करो हैं। पैसे मिलते ही हम कहीं जाकर शादी कर लेंगे और हनीमून हम सिंगापुर में मनाएंगे। हमारी शादी भी तो क्या शादी होगी, शादी होने से पहले ही इतनी मुसीबतें आ गई हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। अरे डार्लिंग, तुम्हारा मोहन कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ। हाँ लेकिन हाँ, हमें 2-3 हफ्ते कोई और नौकरी करनी पड़ेगी ताकि किसी को शक नहीं हो। अरे नौकरानी होने का तो मुझे भी नाटक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मिसेस नाथ को कह दिया है मैं ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि उस बंगले में मुझे डर लग रहा है। लेकिन पैसे कब मिलेंगे? अरे बहुत जल्द मिल जाएंगे। देखो जल्दी करो, कहीं कमांडर को अपने पे शक हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। अरे डार्लिंग, कमांडर तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि हमने मिस्टर लोकनाथ का खून किया है। वो तो खून उसे सिर्फ आत्महत्या मान रहा है। और फिर जिस सफाई से मैंने उसका काम तमाम किया है, बस पूछो मत। थैंक यू डार्लिंग। और फिर उसकी कीमत मालूम कितनी मिल रही है? 10 लाख। इसका मतलब खबर में सच्चाई थी, इसलिए आलोकनाथ ने आत्महत्या कर ली। नहीं टोनी, आलोकनाथ को मैं जानता था, उसने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने उसकी हत्या की है। क्या? लेकिन कल तो आप कह रहे थे कि सुसाइड है। वो तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को सुनाने के लिए कहा था, ताकि उन्हें लगे हमने सुसाइड केस समझकर इस केस की फाइल बंद कर दी है, और फिर हत्यारा निश्चिंत होकर और गलतियां कर बैठे, और हमें सबूत इकट्ठा करने के लिए वक्त दे। इसका मतलब हत्यारा घर में से कोई एक है। हाँ टोनी, सबूत नंबर 1, मिसेस नाथ का कहना है कि जब उन्होंने ऊपर वाले कमरे का दरवाजा नॉक किया था, तभी से नाथ ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहा था। टेंशन आने पर मिस्टर नाथ अक्सर ऐसा किया करते थे। उसके बाद काफी देर तक टेलीफोन की रिंग बजती रही, और जब मिस्टर नाथ ने टेलीफोन का रिसीवर नहीं उठाया तो मिसेस नाथ ऊपर चली गई। तब उन्होंने देखा बंद दरवाजा खुला था, और उनको मिली उनके पति की लाश। चलो अगर मानते ये सुसाइड है, तो क्या सुसाइड करने से पहले मिस्टर नाथ ने बंद दरवाजा खोल लिया था? नहीं, सुसाइड की साइकोलॉजी से ये मेल नहीं खाता। हत्या के और क्या क्या सबूत है? सबूत नंबर 2, आलोकनाथ को इंपोर्टेड सिगरेट्स पीने की आदत थी, और टेबल पर पड़े इंपोर्टेड सिगरेट के पैकेट में से 6 सिगरेट्स गायब है, और आश्रम में सिर्फ 5 अजले सिगरेट्स के टुकड़े मिले, और एक टुकड़ा गेट के पास मिला था। तो कातिल सिक्योरिटी गार्ड में से कोई हो सकता है? यह कहना इतना आसान नहीं है टोनी, क्योंकि गेट पर सिगरेट का अजला टुकड़ा मिलना कोई ठोस सबूत नहीं है। घर में 4 लोग रहते हैं जो शक के दायरे में आते हैं, और यह भी हकीकत है कि हत्या के वक्त आलोकनाथ वहां अकेला नहीं था। और सिक्योरिटी गार्ड का भी यही कहना है कि बाहर से बंगले के अंदर कोई आया नहीं था। अगर ये हत्या है तो हत्यारा कौन हो सकता है? हत्यारा घर में से कोई एक है, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह उसने क्यों और किसके कहने पर किया है। अगर रिवॉल्वर पर किसी की उंगलियों का निशान नहीं है तो यह साफ है कि किसी ने आलोकनाथ की हत्या की है, क्योंकि अगर आलोकनाथ ने खुदकुशी की होती तो उसकी उंगली के निशान हमें रिवॉल्वर पर मिलते। अगर रामलाल का कहना सही है कि मोहन ने उसे नींद लाने वाली सिगरेट पिलाई थी, तो हमारा टारगेट मोहन ही है। बाकी सारे सबूत भी यही कह रहे हैं
कि किसी सिगरेट पीने वाले आदमी ने ये हत्या की है, जो हत्या के वक्त भी इंपोर्टेड सिगरेट पीने का लालच नहीं रोक सका। और इतनी सारी सिगरेट पीने वाला और अफोर्ड कर सकने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, मोहन, जो केवल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, साथ ही उसमें सिक्योरिटी एजेंसी में जो अपना परमानेंट एड्रेस लिखवाया है वो भी गलत है। आपका कहना सही है सर, मोहन एक प्रोफेशनल किलर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आलोक की हत्या मोहन से किसने करवाई होगी? इसका जवाब तो जिलानी दे सकता है, क्योंकि आलोकनाथ के जीवित रहने से सिर्फ जिलानी का फायदा हो सकता था। आलोकनाथ एक फैमिली फ्रेंड था, मेरी बीवी हनी को वो बहन मानता था। अब भाई बहन के इस इमोशनल रिलेशनशिप को भी लोगों ने कैसे एक्सप्लॉइट किया, देखा? आपका क्या कहना है मिस्टर चिदा, आलोकनाथ ने क्यों खुदकुशी की होगी? आपकी वजह से? जी वो बात यह है कि ये सब उथप्पा का काम है, वही जल रहा था मेरे प्रोग्रेस से, अखबार में झूठी खबर उसी ने छपवाई। ये सदमा आलोकनाथ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुदकुशी कर ली। भाई बहन का पवित्र रिश्ता बदनाम हुआ सो अलग। सही है, भाई बहन का रिश्ता। कमांडर, दोबारा अगर मेरे सामने भाई बहन के रिश्ते का नाम लिया तो जबान खींच लोगा, समझे? तेरे ऐसा गलीस इंसान जो अपने बीवी का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करता है वो क्या समझेगा भाई बहन का रिश्ता? ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूंगा कमांडर। अगर याद रखने का इतना ही शौक है तो यह भी याद रख कि तेरा पाला कमांडर से पड़ा है। भाई रामलाल, मैं सुबह तक ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा संभाल लेना यार। तू कल तो आएगा ना? कल तो शाम की ड्यूटी है। फिर ठीक है। सुसाइड केस में आप खामखाम मुझे क्यों उलझा रहे हैं कमांडर साहब? मेरा तो आलोकनाथ से कभी आमना सामना भी नहीं रहा। हाँ, बात रही टेंडर्स की और घाटे की, भाई बिजनेस में तो ये सब चलता ही रहता है। अखबारों में उनकी तस्वीर छपी, इसके पीछे मैं ही हूं, इसकी क्या गारंटी है? ये सवाल तो आप अखबार के रिपोर्टर से पूछ सकते हैं। रिपोर्टर का कहना है कि यह सारा मैटर उसे जिस आदमी ने दिया था उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया था। फिर भी यदि आप किसी भी तरह इस केस में शामिल होंगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह सुसाइड का केस नहीं है, यह मर्डर केस है। मिर्जा, ये सुइसाइड केस मर्डर केस कैसे हो गया? अरे,
सुबह अंधेरे में क्यों बैठी हो? दरवाजा क्यों नहीं खोला? प्लीज मोहन, यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई हमारे पीछे पड़ा है। देखो हमें पैसा भी सब कुछ नहीं चाहिए, चलो बाहर चलो यहाँ से। रोमा, कौन पीछे पड़ा है? बाहर तो कोई नहीं है। हाँ, कोई है, मैंने अपने आँखों से देखा है। आँखों से देखा है? लेकिन बाहर से तो मैं आ रहा हूँ, वहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा सुनो, दिखने में कैसा था? लंबा सा था, हंसे में लग रहा था, उसके हाथ में सिगार था। सिगार? रोमा डार्लिंग, तुम्हें उस घर में डर लगता था ना? हाँ। अब यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हैं? जैसे ही हमें पैसे और पासपोर्ट मिल जाएगा, हम एकदम सिंगापुर चले जाएंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। हेलो, जॉनी वॉकर हेयर। जी मैं मोहन बोल रहा हूँ। हमारी इस जगह का भी किसी को पता चल गया है, आप कल ही हमारे पैसे और पासपोर्ट दे दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, कल रात 9 बजे वुड हाउस बिल्डिंग में बॉस के पुराने घर पहुँच जाओ। जी हाँ, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। थैंक यू। मुझे थापर साहब ने तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा है। मगर तुम तो हमारा पीछा कर रहे। यस डार्लिंग, यही वो आदमी था। वो भी थापर साहब के कहने पर। कहीं तुम कमांडर की गिरफ्त में ना आ जाओ। लेकिन कमांडर को कैसे पता कि अलो का खून मैंने किया है? इसलिए तो थापर साहब ने हुक्म दिया है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए, क्योंकि तुमने तुम्हारा काम सफाई से नहीं किया और कमांडर को शक हो गया। कैसी बातें करते हो तुम? जैसा थापर साहब ने कहा था मैंने वैसा ही किया। आलोकनाथ का खून करते समय मैंने इतनी सावधानी बरती कि किसी को शक नहीं हुआ। सब लोग यही जानते हैं कि उसने आत्महत्या की है, फिर कमांडर को कैसे शक हुआ? अब ये शक भी नहीं रहा, पूरी सच्चाई सामने आ गई। मोहन थापर का आदमी नहीं, मेरा असिस्टेंट टोनी है। और इस टेप रिकॉर्डर में तुम्हारी सारी बातें टेप हो चुकी है, जिसमें तुम्हारा इकबाले बयान है कि तुमने आलोकनाथ की हत्या इस तरह की कि वो आत्महत्या लगे। मोहन, तुमने और तुम्हारे महबूब रोमा उर्फ गंगूबाई ने थापर और मिर्जा के कहने पर आलोकनाथ की हत्या की, लेकिन हकीकत तो यह है कि गुनाहगार कितना भी चालाक क्यों ना, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। आलोकनाथ की हत्या करने के बाद तुमने उसी के सिगरेट पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर उसे पीकर गेट के पास फेंक दिया।
अपनी आत्महत्या दिखाने के लिए तुमने वही रिवॉल्वर उसके हाथ के पास रख दिया। लेकिन मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने रिवॉल्वर पर आलोकनाथ की उंगलियों के निशान नहीं पाए। दूसरी बात, आलोकनाथ ने अंदर से बंद किया हुआ दरवाजा खोलकर तुम कमरे के बाहर भाग गए। मेरा तुम पर शक था, इसलिए मैंने टोनी को तुम्हारे पीछे लगा दिया। और आज तुम थापर से 10 लाख वसूल करने के लिए यहां पहुंचो, उससे पहले मैं यहां पहुंच गया। टोनी, इन सब को कानून के हवाले कर दिया।